लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन बैठक, जेपी नड्डा की अगुवाई में मीटिंग शुरू, थोड़ी देर में पीएम मोदी होंगे शामिल। जेपी नड्डा की अगुवाई में सभी मोर्चे के अध्यक्ष राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक, 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन। सांसदों के निलंबन पर, जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, एक साथ हाथ उठाकर विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा दो तीन युवा संसद में घुसे तो बीजेपी सांसद भाग गए, देशभक्तों की हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संविधान के उच्च पद पर बैठे लोग करते हैं जाति की बात, फिर मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार, जंतर मंतर पर बोले शरद पवार। दलित किसान पिछड़े वर्ग का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। सांसदों के निलंबन को लेकर पटना में प्रदर्शन, सीपीआई नेताओं ने बैनर पोस्टर्स के साथ की नारेबाजी। सांसदों के निलंबन पर लखनऊ में भी प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता सड़कों पर उतरे। संसद सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपी ललित झा की रिमांड, 5 जनवरी तक के लिए बढ़ी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष ने सदन न चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का अपमान किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में हुई बैठक, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। नीतीश कुमार की नाराजगी से जेडीयू ने किया इनकार, संजय झा बोले सीएम चाहते हैं सीट बंटवारे पर फैसला जनवरी तक हो। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी नाराजगी की खबरों का किया खंडन, कहा मोदी सरकार को हम लोग हटा कर रहेंगे। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच शरद पवार से मिले राहुल, घर जाकर की मुलाकात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, का प्रदेश के विकास और विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, ब्रजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा को मौका मिला। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा मंदिर में की पूजा अर्चना, एमपी के कल्याण और विकास की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, नर्मदा मंदिर में पूजा करने के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान पर प्रहलाद जोशी का तंज, कहा काले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा है नाटक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में छिपे आतंकियों की तलाश हुई तेज, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन, आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, एनआईए ने शुरू की जांच। राजौरी में सेना ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर की पूछताछ, सोर्सेस के मुताबिक राजौरी पुंछ सेक्टर में करीब 30 पाकिस्तानी आतंकियों के एक्टिव होने का शक है। संजय राउत ने पुंछ हमले को पुलवामा हमले से जोड़ा, कहा 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, जवानों की रक्षा कौन करेगा। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। दिल्ली आबकारी मामले में आप सांसद संजय सिंह को झटका, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। मानव तस्करी मामले में एनआईए का एक्शन, भगोड़े सऊदी जाकिर को कोची से पकड़ा। ईडी ने पीएफआई के 5 पदाधिकारियों को किया अरेस्ट, कोर्ट में किया पेश, पहले ने एनआईए ने किया था अरेस्ट। माफियाती के रिश्तेदार पर एसटीएफ का एक्शन, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कमर अहमद गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने गृह और पुलिस विभाग के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था पर अपडेट दिया। अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रनवे का ट्रायल, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उतारा गया, 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। कर्नाटक सीएम पर बीजेपी का अटैक, फोटो शेयर कर कहा केंद्र से मदद मांगने के लिए प्राइवेट जेट में आए सिद्धरमैया। सिद्धरमैया के बचाव में उतरी कांग्रेस नेता रजनी पाटिल, बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी पर सीएम सिद्धरमैया का पलटवार, कहा पीएम मोदी से पूछिए वो किससे यात्रा करते हैं। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 पर रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज, पीड़िता का आरोप, नाबालिग बच्ची से भी की छेड़खानी। झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ाई, कई ट्रेनों पर असर पड़ा। तेलंगाना में लॉरी ने कार को मारी टक्कर, 4 की मौत, 3 जख्मी। तमिलनाडु में किसानों को भारी नुकसान, खेतों में पानी भरा, बारिश से हालात खराब। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई इलाकों में पानी भरा, बचाव राहत का कार्य जारी। हैदराबाद में एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी आग, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बचाई परिवार की जान। भुवनेश्वर में ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स को पिलाई जा रही मुफ्त चाय, 1 जनवरी से शुरू होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। मुंबई एनसीबी ने भारत ऑस्ट्रेलिया ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 3 करोड़ कैश के साथ 3 अरेस्ट। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक घर में फटा सिलेंडर, 15 झोपड़ियां जलकर खाक। यूपी में कोविड को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घबराए नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। केरल में कोरोना के 265 नए केस आए सामने, एक मरीज की मौत हुई। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं कड़ी, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। चुनाव से पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सिपर केस में मिली जमानत। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने बढ़ाया नामांकन का समय, प्रत्याशी 24 दिसंबर तक कर पाएंगे नॉमिनेशन।